सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने देश की संसद में गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जिसके कारण से गुजरात के एक एक आदमी के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के 1100 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। और यह मामला क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। गुजरात के अंदर नवसारी एक जगह है और उस नवसारी जगह में जो निगम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार है। ये सीआर पाटिल जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र का मामला है। और उस नवसारी में सर्वोदय सोसाइटी नाम की एक जगह है जहां पर राधा कृष्ण जी का मंदिर बना था और वो मंदिर बाकायदा पंजीकृत रजिस्ट्री की हुई एक जमीन के ऊपर बना था, सोसाइटी के अंदर बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिल्डर्स के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनके लिए फिर मंदिर में कोई आस्था नहीं बचती। जब बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात आए तो भगवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखते, भगवान के प्रति आस्था भी मायने नहीं रखती। लाखों लोगों की जो आस्था उस राधा कृष्ण मंदिर से जुड़ी हुई थी वो भी मायने नहीं रखती। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बिल्डर के इशारे पे नवसारी के भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस राधा कृष्ण के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर भगवान के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, राधा कृष्ण जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। जब वहां पर मौजूद महिलाएं विरोध करने आई, जब वहां पर मौजूद पुरुष विरोध करने आए, जब वहां पर मौजूद हजारों लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए तो उन महिलाओं का बाल पकड़ के घसीट घसीट के उनको मारा गया। न सिर्फ महिलाओं, महिला पुलिस के द्वारा, बल्कि पुरुष पुलिस जो गुजरात की है उन्होंने उन महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा और मारा, उनको लहूलुहान कर दिया। और आज इस घटना से, भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर पर बुलडोजर चलाने की घटना से एक एक गुजराती के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। उन तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, और वो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि भाजपा के लोगों बताओ, अगर हिंदू अपना मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे मंदिर? अगर हिंदू अपना मंदिर बना रहे हैं, वहां पूजा करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं से क्या दुश्मनी है, क्यों वो मंदिर तोड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने किस दुश्मनी का बदला नवसारी के सोसाइटी के और गुजरात के उन लाखों करोड़ों हिंदुओं से लिया? किस अपराध का बदला लिया उस मंदिर को तोड़ के, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? और जो जानकारी मिली कि उसका लाइव वीडियो, राधा कृष्ण जी के मंदिर को तोड़े जाने का लाइव वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता देख रहे थे कि कैसे मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं से, ऊपर से लेकर नीचे तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं से, सीआर पाटिल जी से, सबसे मांग करता हूं कि राधा कृष्ण जी का जो मंदिर तोड़ा गया है इसके लिए
पूरे देश से आप माफी मांगिए, इस देश के करोड़ों हिंदुओं से आप माफी मांगिए, इस देश के करोड़ों लोगों से जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में, श्री राधा कृष्ण में, भगवान में है, उनसे आप माफी मांगिए। और जो मंदिर तोड़ा गया है उसका निर्माण कीजिए, उस मंदिर को पुनर्वहां पर निर्माण करवाइए, और साथ ही साथ जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिनको मारा गया है, पीटा गया है, जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो बिना शर्त माफी मांग के वापस लिए जाएं, और जिन अधिकारियों ने इस कुकर्म को, इस कुकृत्य को, इस अपराध को, इस पाप को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर आज मैंने देश के सर्वोच्च सदन में 267 का नोटिस भी दिया, और वहां भी मांग की कि गुजरात में जिस तरीके से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर तोड़ा गया है, इस घटना को कोई सामान्य घटना ना समझा जाए और सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। लेकिन सभापति जी ने मुझे अनुमति नहीं दी, इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, गुजरात के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हर प्रकार से इस मुद्दे पर वहां के स्थानीय लोगों के साथ, गुजरात के लोगों के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जिसको प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कहते हैं, जिसको फ्रीवीज कहा जाता है, दरअसल वो हर इंसान के जिंदगी की जरूरत है। क्या जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उसको फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? क्या जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उसके लिए गरीबी अभिशाप बन गई है? उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या झुग्गी में रहने वाले, ऑटो चलाने वाले गरीब आदमी को, मजदूर के बेटे को अस्पताल में फ्री सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? तो हमें यह तय करना होगा कि फ्रीवीज का माने क्या है। फ्रीवीज का माने है चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ करना, 11 लाख करोड़ रुपए माफ करना। यह है देश के जनता के पैसे पर लूट और चोट। अपने एक करीबी मित्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसकी हवाई जहाज से वो घूमते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। यह है फ्रीवीज, यह है मुफ्त की रेवड़ी। उनके इस सरकार के चंद करीबी मित्र जो बीजेपी को चंदा देते हैं, कोई 20,000 करोड़ लेके लंदन भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 6,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 3,000 करोड़। इसकी कोई सीमा है? इसकी कोई सीमा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो एनपीए हुए हैं, ये जो लाखों करोड़ का लोन माफ किया गया है, ये सारे पैसे आप वसूल कर लीजिए, आप इस देश की जनता को और मुफ्त की सेवाएं दे सकते हैं, ढेरों मुफ्त की सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन मानसिकता का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मानसिकता है उनकी? जिस देश के लोगों के वोट के दम पे वो लोग जीतते हैं, जिस देश के पैसे से देश का खजाना भरता है, उस देश की जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है? भाजपा कहती है 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री फंड खाना खिला रहे हैं। यह मानसिकता है बीजेपी की। आपके मन में इतना अहंकार हो गया, आप लोगों का पेट भर रहे हैं। अरे आपका पेट इस देश के लोग भर रहे हैं, आपके लिए इस देश के लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके खजाने में टैक्स के माध्यम से इस देश का आम आदमी पैसा भर रहा है। वो एक माचिस भी खरीदता है तो सरकार के खजाने में टैक्स देता है, आप उसको खिला रहे हैं, आप उसका पेट भर रहे हैं, फ्री फंड। मुझे लगता है कि इस प्रकार का सोचना ठीक नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि आम इंसान की जिंदगी की बुनियादी जरूरत मुफ्त में ही उसको मिलनी चाहिए। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपको मालूम है भाजपा की जो मातृ संस्था है
उसने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कमीशन खोरी में बर्खास्त कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने पिछले दिनों बयान दिया कि भारत का झंडा भारत का तिरंगा नहीं रहेगा, भगवा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। यह बयान देते हैं भाजपाई। आपने सुना किसी ने माफी मांगा किसी बीजेपी के नेता ने? और अभी भी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनके कर्नाटक में मौजूद है और उसके बयान आप लोगों ने देखे थे, सारे टीवी चैनल्स पे चले थे उस समय। तो तिरंगा से इनका क्या लेना देना है? तिरंगे के प्रति इनके मन में कोई आस्था नहीं है। इनके नेताओं की सोच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विरोध में रही है, इनका कृत्य विरोध में रहा है। और नागपुर के मुख्यालय पर तो जिन लोगों ने तिरंगा फहराया था उन पर 11 साल तक मुकदमा चला था, 11 साल तक। आम आदमी पार्टी का जन्म जिस आंदोलन की कोख से हुआ, हाथ में तिरंगा लेकर ही हम इस देश के करोड़ों लोगों के साथ उस आंदोलन में शामिल हुए थे। देखिए वित्त मंत्री जी क्या जवाब देती हैं, क्या वो साबित करना चाहती हैं, वो भली भांति जानती है। वो तो रुपए के गिरने को भी नहीं मान रही हैं, देश में खाने पीने की चीजों पे महंगाई बढ़ गई उसको भी नहीं मान रही हैं। उनको तो सब गुडी गुडी लग रहा है, लेकिन आम आदमी से पूछे ना कि क्या उनकी जिंदगी में सब कुछ गुडी गुडी है? उनके मंत्रियों के, उनके नेताओं के, सबके अच्छे दिन आ गए। झुग्गी में रहने वालों के अच्छे दिन आए क्या? मजदूरों के अच्छे दिन आए? ऑटो वालों के, रिक्शे वालों के अच्छे दिन आए क्या? तो वित्त मंत्री जी तो महान है, उन्होंने तो जब प्याज का दाम बढ़ा था आप लोगों ने सवाल पूछा, बोले हम प्याज खाते ही नहीं, तो उनको महंगाई कैसे नजर आएगी? आप पूछेंगे कि दूध के, बच्चों के दूध कैसे महंगे हो गए, वो कह देंगे हम दूध नहीं पीते। आप पूछेंगे आटा दाल चावल, कहेंगे हम तो मूली खा के गाजर खा के जी लेते हैं, हम आटा दाल चावल खाते ही नहीं, महंगाई बढ़ने दो। तो वित्त मंत्री जी को कैसे महंगाई नजर आएगी?